उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य का नेम प्लेट और साइन बोर्ड बदला हुआ नजर आएगा। यह हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी होगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू में भी साइन बोर्ड और नेम प्लेट लिखे जाएंगे। इस संबंध में उन्नाव निवासी मोहम्मद हारून ने एक शिकायत की थी, जिसमें जिन्होंने कहा था कि कई सरकारी विभाग राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा होने के बावजूद साइनेज पर उर्दू को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों में डिस्प्ले पर नेम प्लेट, साइन बोर्ड और अन्य जानकारी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखी जानी चाहिए। सीएमओ को सरकारी आदेश के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों, जिला अस्पतालों, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य विभाग के अन्य प्रतिष्ठानों में लगे साइन बोर्ड, नेम प्लेट और अन्य साइनेज उर्दू में भी होंगे। इससे उर्दू बोलने और समझाने वाले को काफ़ी सुविधा होगी। बताया जा रहा है कि उर्दू भाषा पर काम करने वाले विभिन्न संगठन इस सुविधा को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे। उन्नाव निवासी मोहम्मद हारून ने अपनी शिकायत में कहा था कि उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किए जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग सहित कई सरकारी विभाग सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे। यदि यह सरकारी आदेश लागू होता है तो 167 जिला अस्पतालों, 2934 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 873 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के डिस्प्ले बोर्ड पर हिंदी के साथ साथ उर्दू भी होगी। यूपी ने यूपी राजभाषा अधिनियम 1989 के माध्यम से दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को अपनाया था, जिसने यूपी राजभाषा अधिनियम 1951 में धारा 3 को जोड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।